मुख्य बड़ी खबर सिरसा से, संत रविदास जयंती पर डिप्टी सीएम ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा विशाल रविदास मंदिर। निशाना साधा, जेजेपी का बीजेपी में विलय वाले बयान पर किया पलटवार। इस वक्त की ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, गठबंधन सरकार की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करें, ये कहा है इन्होंने। हुड्डा के 100 दिन में सरकार गिरने के बयान पर पलटवार किया, 100 दिन में सरकार गिरने के बयान पर पलटवार का, अगले 1500 दिन में गठबंधन की सरकार चलेगी। सिरसा से ये बड़ी खबर, संत रविदास जयंती पर डिप्टी सीएम ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ जमीन पर विशाल रविदास मंदिर बनाया जाएगा ये कहा। सरकार के 100 दिन को डिप्टी सीएम ने सफल बताया, कामयाब बताया। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी का बीजेपी में विलय वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि गठबंधन सरकार की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करें। अभय चौटाला हुड्डा के 100 दिन में सरकार के गिरने पर भी पलटवार किया दुष्यंत चौटाला ने अपने इन शब्दों के साथ कि अगले 1500 दिन में गठबंधन की सरकार चलेगी ही चलेगी। हुड्डा ने कहा था कि 100 दिन की उपलब्धियां गिनवा रही है सरकार, 100 दिन में ये गिर जाएगी सरकार, जिसका जवाब दिया है दुष्यंत चौटाला ने कि 1500 दिन तक ये गठबंधन की जो सरकार है वो चलेगी। सरकार के 100 दिन को डिप्टी सीएम ने दरमियान सफल बताया, कामयाब बताया। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला पर भी तंज कसा। दरअसल अभय चौटाला ने कहा था कि जेजेपी का बीजेपी में विलय होने जा रहा है, जिसका जवाब दिया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये कहते हुए कि अपनी पार्टी की चिंता करें। बड़ी खबर हम पहुंचा रहे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान, जिन्होंने कहा कि अगले 1500 दिन तक गठबंधन की सरकार चलेगी। हमारे संवाददाता अमित तिवाड़ी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्या कह रहे थे उप मुख्यमंत्री अमित? अमित आवाज मिल रही है आपको? अमित सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बताइए। दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे थे? दुष्यंत चौटाला ने आज यहाँ सिरसा में वे पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, इसके अलावा वे पत्रकारों से भी मिले और उन्होंने सीधे रूप में जो अपने उनके चाचा हैं अभय सिंह चौटाला, इनेलो के विधायक हैं, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा में जो है जजपा का विलय हो जाएगा, तो इस बयान की प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल बातें बनाने का काम कर रहा है, जबकि हकीकत में जो राज्य सरकार है वो बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है और आम लोगों की भलाई के लिए ही सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने रविदास जो मंदिर है 5 एकड़ में जो बनना है उसके बारे में भी पत्रकारों को पूरी जानकारी दी। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित, धन्यवाद।